हाँ जी, तो ये क्या होता है, कैमरे की ऑप्शन में जब जाते हैं तो ये जो एमएम लिखे हुए हैं ये क्या चीज़ें हैं? जी उसको जूम इन जूम आउट के लिए हमारे के व्यू हाँ, जितना उसका वाइड कितना ज़्यादा करना। आप लेके जाएंगे उस ऑब्जेक्ट की तरफ उतना जूम करेगा। सेम वही चीज़ है जी जो आपके, जैसे मैं ये कैमरा इस वक्त देख रहा हूँ, ठीक है? तो और अगर ये है मेरा कैमरा, इस वक्त मैं कर रहा हूँ 50। यहाँ पे टॉप व्यू भी ले रहे थे हमारे, ठीक है? तो ये है मेरा कैमरा और इस पर इसका लेंस है 50। अगर लेंस इसका 50 में है तो ये इसकी फील्ड ऑफ व्यू बन रहा है। अगर मैं इसको 35 में करूँगा तो वो क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस करते हुए जूम कर रहा है। अभी टारगेट नहीं है क्योंकि सामने पड़ा हुआ वर्क ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू में, तो वो आप वहाँ पर देख रहे हैं बस, लेकिन उसकी कौन एरिया जूम करता जा रहा है। जितना ये एमएम ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो उसके ऊपर जूम करेगा। अभी ये ऑब्जेक्ट के बिल्कुल एंड पे पड़ा हुआ है लेकिन वैसे लग रहा है जब उसके सामने पड़ा हुआ, तो अपनी जगह पे रहते हुए उसने उस ऑब्जेक्ट को जूम किया। ये शायद कस्टम भी होती है, मैं 300 करूँगा तो ये और ज़्यादा जूम करेगा, 400 मैनुअल कर सकते हैं आप देगा। लेकिन ये ओरिजिनल कैमरे में ये कस्टम नहीं होता, जितना लेंस आपका होता है उतना ही बस हो सकता है। तो अगर आपको टेलीस्कोप वगैरह पता है तो वो उसमें भी यही एमएम ही सबसे अहम होता है। तो 35 से लेके 40 तक आपका, 45 तक नॉर्मल रेंज होती है, तो 40 कर दें तो वो सबसे बेस्ट होता है। नॉर्मल जब आप लगाते हैं तो 43 पे रखता है। तो ये है इसके एमएम का। अब जी है, अब मैंने इस कैमरे को, पहले तो जूम कर रहा था ना इसका वो लेंस चेंज करके, तो अब मुझे इसको मूव नहीं करवाना, इसको सीधा उस ऑब्जेक्ट के पास लेके जाना है। तो यहाँ में से कौन सा टूल मैं सेलेक्ट करूँ? कैमरा व्यू सर हाँ, ये कैमरा है, ये नीचे टूल आ रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये चलता हुआ कैमरा उसके पास जाए। जिसके साथ हैरो बना हुआ उसके कैमरा हैरो। हाँ, एरो के साथ भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ देखें जरा, एरो के साथ मैं पकड़ूंगा ना तो कैमरा मेरा एक्स वाई मूव करता हुआ जा रहा है, जग करते हुए जा रहा है। अब ये कैमरा है, इसमें आप एनिमेशन भी कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ से देखना, बात समझना जरा। ऑटो की मैंने ऑन किया, यहीं पर फर्स्ट फ्रेम लगा दिया। मैं चाह रहा हूँ कि 60 पे जाके मेरा कैमरा यहाँ पर जाए। अब ये जर्क देख रहे हो जो आ रहा है, यस सर। ठीक है? ये प्रॉब्लम करेगा, मैंने लगाया फर्स्ट फ्रेम। सेकंड फ्रेम पे आप, ये जो होता है मैंने आपको उस दिन बताया था, ये जो डोली कैमरा है इससे क्या होता है कि ये आपका कैमरे में जाना है, कैमरे में क्लिक करना है। अब कैमरा उसी तरह मूव ही कर रहा है लेकिन उसमें कोई जर्क नहीं है, स्मूथ मूव कर रहा है। ठीक, ये जूम नहीं हो रहा, कैमरा मूव हो रहा है। क्लियर बात? यस सर। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि ये एनिमेशन के साथ है,
मैं यहीं पर मैंने एनिमेट किया, तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये खड़ा रहे अपनी ही जगह पर, लेकिन इसका ये MM चेंज हो, तो वो इसे होता है फील्ड ऑफ व्यू से। ठीक, कैमरा अपनी जगह खड़ा है, मेरे राइट साइड वाली जो विंडो वहाँ पे देखें, कैमरा अपनी जगह पे खड़ा है, यस लेकिन वो लेंस जो रीडिंग आ रही है ना, ये जो लेंस लिखा हुआ है पैरामीटर में मॉडिफाई में, वो देखें चेंज हो रहा है। ठीक, तो ये जूम हो रहा है और पहले वाला सिर्फ मूव हो रहा था, दोनों में फर्क होता है। अब हमें इस तरह करना है, ये फिजिकल कैमरा देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। सर, हमारे पास ये 4 स्लाइड ओपन होती हैं, सिंगल स्लाइड, तो ये डबल स्लाइड कैसे की आपने? ये डबल स्लाइड होती है, यहाँ पर एरोस के निशान होंगे, ये व्यू के अंदर होते हैं। मेरी तरह थोड़ा सा जब डिस्टर्ब हुआ, आपके पास ये आ रहा होगा व्यू के पास। ओके तो यहाँ पर ये जो फोर आ रहे हैं, ये फोर के लिए, ये जो एरो इसके ऊपर क्लिक करें तो ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग्स हैं कि जहाँ पर आपने रखना है, तो वो जिस तरह आपका हाथ सीधा हुआ हो उस तरह हम कर लेते हैं। जैसे अगर मैं ये वाला क्लिक करता हूँ तो एक बड़ा व्यू मेरा यहाँ पर होगा और बाकी छोटे व्यू यहाँ पर, तो सभी नज़र आ रहे होते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर मैं इसको, ये पर्सपेक्टिव व्यू, इसकी जगह मैं यहाँ पर टॉप व्यू ले लेता हूँ, यहाँ पर पर्सपेक्टिव ले। ताकि आपको जिस तरह का हाथ खुला हो आपको नज़र आ रहा होता है कि कैसे करना होगा। जब करेक्टर बना रहे होते हैं ना, तो ज़्यादातर आपको दो से काम चल जाता है, वो अच्छा रहता है। तो मैं एक और क्लास है एडवांस 3D के, वहाँ पे करेक्टर बना रहा था, तो वहाँ पर ये इस तरह हो रहा है। नेक्स्ट हम भी ये करेक्टर के ऊपर काम शुरू करेंगे। एडवांस 3D मतलब के कोई अलग कोर्स होगा हाँ इसी जी, में वो अलग ही कोर्स है एक। वो पढ़ाएंगे हम यूनिवर्सिटी में? हाँ, फर्स्ट अभी एक सेशन चल रहा है उसका, कौन से सेमेस्टर में होता है सर? वो तकरीबन उसमें प्री रैक है 3DCG, बाकी आपका पढ़ सकते हैं, आप 5 के ऊपर पढ़ सकते हैं, लेकिन आप ऊप और पढ़ा होना चाहिए और 3DCG पढ़ा होना चाहिए, ये उसमें सर ये तो कोडिंग की। पढ़ लिया है, वो पढ़ी हुई है। हाँ, तो वो उसके लिए ये कि वो सर अमान होते हैं साथ, गेम डेवलपिंग वाले जो हैं, आपको शायद पता हो। यस सर, हाँ, उसमें गेम का प्रोजेक्ट बनता है पूरा, तो वो उसमें कोडिंग वो करवाते हैं और 3D वाला पोर्शन भी मेरे पास होता है। अगर 5th सेमेस्टर में होगा या 6th में होगा वो? फिफ्थ में शायद, सिक्स में हो जाएगा आपके पास, अगर आपने 3D हो पढ़ लिया हुआ तो शायद अगले में आपको वो सिलेक्ट करने देंगे, वो पढ़ा हुआ और 3D पढ़ा हुआ। यस सर, वो तो पड़ गया। और 3D से ही पढ़ा हुआ हो, क्योंकि इसमें बहुत तेजी से और एडवांस वर्क हो रहा था। मैंने ये कैमरा, फ्री कैमरा क्या होता है कि कैमरा आपने लगा दिया, उसको लगाने के बाद एडजस्ट करना है, फिर उसको सब कुछ देखना है, तो सम टाइम ऐसे होता है कि आपको मुश्किल पड़ती है। जैसे मैं यहाँ पर एक कैमरा लगाना चाह रहा हूँ, ठीक, ये डोर के पास, यहाँ पर मैंने कैमरा लगाना है, तो मैंने व्यू को मूव वगैरह करवाना इजी होता है आपके पर्सपेक्टिव व्यू में, क्योंकि आपके पास ओपन स्पेस, फ्री स्पेस होती है ना, तो आप आठ का बटन दबाएं, माउस को व्हील के साथ मूव कर लें या ऑर्बिट के साथ मूव कर लें, तो वो कैमरे में इतनी ऑप्शन नहीं होती। ठीक है, तो वो अब हम इस तरह की ऑप्शन सेट करेंगे कि जैसे मैंने ये पर्सपेक्टिव व्यू के साथ ये अपना बना लिया कि मैंने ये डोर के इस तरफ जो है वो बनाना है, कैमरा लगाना है, तो फ्री कैमरा लगाऊंगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसको पहले यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा अच्छी तरह कैमरे को, फिर वो लगेगा। एक और ऑप्शन होती है, जैसे ये जो भी मैंने सीन सेट किया, तो यहाँ पर हम कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करना है,
क्या होगा कि इसी सीन के ऊपर इसी जगह एक कैमरा लग जाएगा, और वो कैमरा लगता है फिजिकल कैमरा। तो इसके साथ अभी मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल सी। जैसे ही मैं कंट्रोल सी करूँगा तो ये देखिए ये फिजिकल कैमरा यहाँ पर लग गया, और यहाँ पर भी ऑप्शन आ गया आपके पास फिजिकल कैमरे का। अब फिजिकल कैमरे का जो बिहेवियर होता है वो होता है टारगेट कैमरे की तरह का, मतलब उसमें एक टारगेट कैमरा भी होता है और एक फिजिकल, एक पीछे उसकी जिस तरह टारगेट कैमरे में एक कैमरा होगा और एक उसका टारगेट होगा। अगर मैं व्यू चेंज करता हूँ तो ये देखो ये कैमरा और ये टारगेट है। टारगेट इसका क्या उसका बन रहा है, ये डोर बन रहा है जो कि सामने सेंटर में था। टारगेट बनाया नहीं है, बस उसने क्योंकि वो सेंटर में था तो उसने डोर बना दिया। अब इसका फायदा क्या होता है, एक तो आपको सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, जहाँ पर आपने व्यू रखा हुआ था वहाँ पे कंट्रोल सी करेंगे कैमरा लग जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इसकी क्या है कि अगर मैं ये कैमरा पकड़ रहा हूँ, कैमरे की तरफ से पकड़ रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको मूव कर रहा हूँ कैमरे को, जैसे ये इस वक्त ड्रोन कैमरा है, लेकिन वो हाउस सेंटर पॉइंट नहीं छोड़ेगा अपना जो भी आपने रखा हुआ है। अपने सिर्फ देखना है ये डोर की तरफ सेंटर मैंने रखा हुआ था, तो मैं जिधर मैं मूव करूंगा वो अपने सेंटर पॉइंट से नहीं हिलेगा। जूम करूंगा तो उसी की तरफ जाएगा। अगर आप इस तरह के एनिमेशन कर रहे हैं कि ये एक करेक्टर है जो कि आपका इस वक्त यहाँ पर छुपा हुआ है, इस तरह के सीन ज़्यादातर होते हैं जो प्रिंस ऑफ पर्सिया गेम है या इस तरह की जो भी गेम होती है स्ट्रेटजी टाइप, उसमें इस तरह के सीन होते हैं। करेक्टर आपका किसी चीज़ के पीछे छुपा हुआ है और वो आप दिखाना चाह रहे हैं कि वो इस तरह चलता हुआ आएगा डोर की तरफ, तो ये फिर आपके फिजिकल कैमरे से करना आसान होता है फ्री कैमरे के बजाय, क्योंकि एक टारगेट जो है जो वहाँ पर आप कैमरा दिखाना चाह रहे हैं डोर के साथ वहाँ पे वो नज़र ही आता ही रहेगा। फ्री कैमरे में ये होगा कि पूरे का पूरा सीन चलता हुआ नज़र आएगा। बात समझ लगी? आप भी उसे देख लेते हैं, ये है उसका टारगेट पॉइंट जो कि भी किसी ऑब्जेक्ट के साथ टारगेट नहीं हुआ, बस डोर के साथ लगा हुआ है। इसको अगर मैं मूव करता हूँ वो अपनी ही जगह खड़ा है, ये यहीं पर रहेगा और सीन मूव हो रहा है मेरा। तो इससे एनिमेशन, जैसे अगर यहाँ पर कोई बॉक्स के पीछे छुपा हुआ है बाहर निकलेंगे, ये आपने एनिमेशन की, उसके बाद आपने ये एनिमेशन की, वो डोर को नहीं छोड़ेगा, फिर आप डोर के अंदर चले जाएंगे। समझ लगी बात कि पीछे वाली नहीं गई? क्लियर? थोड़ा रिपीट कर दीजिए। फ्री कैमरे में क्या होता है, ये फ्री कैमरा है और वो इस तरह देख रहा है। फ्री कैमरे को मूव करेंगे तो वो पूरे का पूरा मूव होगा, ठीक है, उसका कोई वो नहीं है, कोई ना तो कोई टारगेट होता है और ना ही कोई एडजस्टमेंट पॉइंट है कि जिसके ऊपर वो हमेशा रहेगा। अगर कोई टारगेट नहीं भी किया तो इसको लगा के देख लेते हैं, लगा हुआ हमारा एक फ्री कैमरा ये। जब मैं इसको मूव करूँ पूरे का पूरा कैमरा मूव हो रहा है। अब जहाँ पर मैंने सीन लेके आना है कैमरे का, तो दो सीन है, यहाँ पर भी फिजिकल कैमरा है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा कैमरे में जाऊँगा तो ये कैमरा वन है, ये फिजिकल कैमरा है, ठीक है। एक ऑप्शन कीबोर्ड से होती है, कीबोर्ड से आपने सी प्रेस करना है, ठीक है, तो ये विंडो ओपन होती है। यानी आपने लास्ट टाइम किया है या नहीं किया, कंट्रोल सी से फिजिकल कैमरा लगता है जो सीन नज़र आ रहा हो।
सी से क्या होता है, किसी सीन के ऊपर क्लिक किया हुआ मैंने, सी प्रेस करूंगा तो ये विंडो आ जाएगी अगर कैमरा लगा हुआ है। अगर एक कैमरा लगा हुआ है तो वो डायरेक्ट कैमरा शो करवा देगा सी प्रेस करने से। और अगर आपके पास मल्टीपल कैमरा है, जैसे हमारे अब दो कैमरे हैं, तो ये विंडो सामने आ जाएगी कि आपने कौन सा कैमरा सेलेक्ट करना है। तो मैं अगर फिजिकल कैमरा तो पहले ही है, तो दूसरे कैमरे को डबल क्लिक करूँगा तो मेरा ये दूसरे वाला कैमरा शो हो जाएगा। ये मैंने क्लिक किया, मूव करूँ, पूरा सीन मूव हो रहा है, ठीक है। वो अगर हम ये कह रहे हो कि वो टी पोर्ट को देख रहा है, तो वो टी पोर्ट को नहीं देख रहा, पूरा सीन मूव हो रहा है, टी पोर्ट भी निकल रहा है उसके पॉइंट में से, ठीक है। इसके बजाय अगर मैंने इसी जगह ये पर्सपेक्टिव एक और कंट्रोल सी के साथ फिजिकल कैमरा लगा देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल, ठीक है। अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ जहां पर मैं वो ले गया था सी, ये फिजिकल कैमरा। अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये जो मेरा पोर्शन है, जो एक टारगेट है, ये इसकी वजह से ये हमेशा हाउस की उस तरफ देखता ही रहेगा, चाहे मैं जिसको जिधर भी मूव कर दूँ, सीन से आउट नहीं होगा। जिस तरह का टी पोर्ट आउट हो जाता है, ये हमेशा हाउस की ही तरफ रहेगा। 360 भी घुमाऊंगा तब भी वो हाउस की तरफ ही रहेगा। तो ये होगा मेरा फिजिकल कैमरा, ये उसका टारगेट होता है। तो कैमरा इसके गिर्द घूमता रहेगा, हमेशा इसको देखता रहेगा। इसको मैं मूव करूंगा अगर इस तरफ, तो कैमरा मूव तो कर जाएगा लेकिन उसका रुख फिर भी इस तरफ ही होगा, जैसे कि टारगेट की तरफ होता है। अब अगर मैंने ये सीन बनाना हो कि ये मेरा जो करेक्टर है नीचे बैठा हुआ और ऊपर की तरफ देख रहा है, उसके लिए मैं ये टारगेट जो नीचे रखा हुआ है वो भी सिलेक्टेबल होता है। मैं इसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ टारगेट को, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। तो कैमरा मेरा उसी जगह खड़ा हुआ है, ठीक है, लेफ्ट फ्रंट व्यू से नजर आ जाएगा। ये देख, कैमरा मेरा उसी जगह खड़ा है, सिर्फ उसका टारगेट जो है वो ऊपर की तरफ देख रहा है। अगर मैं इसको विंडो के साथ लगा देता हूँ और अब मैं कैमरे को मूव करूँगा तो वो विंडो को हमेशा देखेगा। ठीक है, अब इसी को यूज करते हुए हम टारगेट फॉलो ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं। वो कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर? क्लियर है बात यहाँ तक? टारगेट का बता दें, वो आपने कैसे सिलेक्ट किया था? बस जब आप फिजिकल कैमरा लगाते हैं तो आपके पास दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक ये कैमरे वाला और एक जैसे टारगेट स्पॉटलाइट पे आपके पास एक टारगेट होता है, उसको मैंने क्लिक किया, बस ये वाला, वो क्लिकेबल होता है। ओके, हाँ, क्लिक करेंगे तो वो मूवेबल है, जहाँ पे मर्जी मूव कर लें। और अभी ये दोनों फ्री ही पड़े हुए हैं, मैं किसी की तरफ टारगेट हुए नहीं हुए, क्योंकि टारगेट कैमरे में या टारगेट स्पॉटलाइट में फ़र्क ये दोनों में एक चीज़ कॉमन ये होती है कि वो आपने टारगेट नहीं किया हुआ तो जहाँ पर आपने रखा है उसको भी टारगेट समझता है, क्योंकि कैमरे ने हमेशा अपने अगले वाले पॉइंट में छोटा सा एक बॉक्स बना हुआ उसकी तरफ ही रहना है। उस छोटे से टारगेट को आप जिसके साथ लिंक कर देंगे तो फिर वो मूवेबल हो जाएगा, जैसे अभी हम करके भी देख लेंगे। और उसको हम करते हैं इस वाले सीन के अंदर,
हम फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है। अब हमने दो तरह की ऑप्शन बनानी है, एक ये बनानी है कि ये जो कार है आपकी, ये ड्राइवर मुंह भी देखे और टारगेट भी हो किसी पॉइंट से, और एक ऐसा कैमरा लगाना है जो फिजिकल कैमरा होगा किसी पॉइंट के ऊपर जो इसको देखता रहे। तो सबसे पहले हम ड्राइवर व्यू बनाते हैं इसको, इसको कार को थोड़ा सा शेप चेंज करते हैं। करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब कैमरा लगाएंगे तो व्यू अच्छा हो जाएगा। अब इसके ऊपर मैंने सबसे पहले ड्राइवर व्यू स्क्रीन बनाया, मैं करता हूँ कि इसके ऊपर एक कैमरा लगा देता हूँ फ्री। फ्री कैमरा कोशिश करें टॉप व्यू से लगा लें, ये कार है, कार के पास जाएं और ये इसको स्क्रीन लगा दें, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ देख रहा है, इसको रोटेट कर दें 90 को, आपको ये पर्सपेक्टिव से नजर आएगा, टेढ़ा तो नहीं पड़ा हो, तो ये सीधा ही है। कैसे पता लगा कि ये सीधा है? एंगल्स ये लेफ्ट व्यू है ना हमारा, तो कैमरा कैसे पता लगता है कि वो सीधा पड़ा हुआ है? तो ये इसके ऊपर जो रील का वो बना था सर्कल, ये जो रिंग बने हुए हैं ये ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब है ये सीधा है, और अगर ये उल्टे पड़े हुए हैं, ठीक है, ये वर्क ऑफ फील्ड से पता लगता है कि वो पीछे की तरफ देख रहा है या आगे की तरफ देख रहा है, ठीक है। और अगर ये रिंग इस तरह नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैमरा उल्टा पड़ा हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कैमरा एडजस्ट करता हूँ, और कैमरा एडजस्ट करने के लिए आपको ज़रूरी है कि कैमरे का व्यू भी नज़र आना चाहिए, तो हम इस जगह कैमरे का व्यू ले आते हैं। हम कहते हैं कि ये है कैमरा मेरा, और इसको ये इस पर ज़्यादा देख रहा होगा, 35 पे रखते हैं। और अपनी इस गाड़ी को एनिमेट कर देते हैं, एनिमेशन देख लो दोबारा। नेक्स्ट क्लास में हमारा क्विज होगा कैमरा और इसके ऊपर, लाइट और एनिमेशन के ऊपर। आज इसलिए नहीं मैंने लिया कि कैमरे वाला हम कवर कर लें, ताकि वो एक पूरा टॉपिक जो है हमारा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं एनिमेट कर रहा हूँ अपनी गाड़ी को, ठीक है। कार को मैंने सेलेक्ट किया, ऑटो की ऑन की, समझ लेना ये चीज़ है। ये मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। जीरो पे फर्स्ट की लगाई, उसके बाद क्या करना है आपने?
मूव करना है अपने टाइम स्लाइडर को और उसके बाद ऑब्जेक्ट को मूव करना है। जैसे ही ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे वो एनिमेशन शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ से मैंने मोड काटना है, इस तरफ लेके जाना है। तो मुझे अगर मैंने ये 50 पे रखा है तो ये मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर गया और यहाँ पर दोबारा 10 फ्रेम में आया इधर। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि गाड़ी बिल्कुल सीधा देख रही है, गाड़ी की शेप थोड़ी चेंज करता हूँ। समझ लेना जरा, नहीं देखो इशू है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ आपको उधर से नजर आया टॉप व्यू से कि गाड़ी का फ्रंट कौन सा है। ठीक है, अब ये गाड़ी का फ्रंट है तो ये मैंने एनिमेशन किया है। अब ध्यान से देखना, ठीक है, गाड़ी सीधी जा रही है, टर्न कर रही है, लेकिन गाड़ी का रुख हमेशा सामने की तरफ है। इस तरह नहीं टर्न करती गाड़ी, कैसे ही करती है। क्या गलती है यहाँ पर? वो लेफ्ट राइट टर्न करेंगे। हाँ, उसको ये भी साथ में टर्न होना चाहिए। तो कैसे इसको हैंडल करना है? यहाँ तक तो ठीक है, अब यहाँ से वो मूव हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर क्या करूँ मैं? हाँ, रोटेट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूँ तो ये यहाँ पर आए ऐसे। तो पीछे देखते हैं क्या बना, ये क्या हुआ, ये तो पहले ही देखती जा रही है। ये क्या हुआ, टर्न तो उसको यहाँ पे लेना शुरू करना चाहिए था ना। तो इसको वो ये ट्रायंगल पे इसको करना चाहिए था रोटेट। ये बात समझने वाली थोड़ी सी। अब ये एनिमेशन का एक रूल है, ध्यान से सुनना सब इसको, वरना आगे क्यूज और आगे जितने पेपर शेपर सब कुछ प्रोजेक्ट नहीं होगा इसको समझे बगैर। ये पहला फ्रेम लगा, ठीक है, कलर कोड कितने आ रहे हैं इसमें? रेड, ग्रीन और ब्लू, तीनों आ रहे हैं। क्या मतलब है इसका? एक्सिस है, ठीक है, मतलब उसने जो पहला फ्रेम लगाया है पोजीशन देखी है कि कहाँ पर पड़ा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट रोटेशन में, स्केलिंग में और मूव में कहाँ पर पड़ा हुआ है। ये उसने तीनों एक्सिस पे नोट कर लिया। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर 40 पे जब मैंने लगाया तो सिर्फ रेड के ऊपर ये की नजर कलर नज़र आ रहा होगा। ये रेड, रेड मतलब मूव कर रहा, तो मूव किया उसने यहाँ तक। ठीक है, जो रोटेशन वाला ग्रीन वाला पार्ट है, ठीक है, जो ग्रीन वाला पार्ट है, अब उसने किया था गेट यहाँ पर कि इस वक्त रोटेशन इसकी ज़ीरो पे है। अब मैंने यहाँ पर जब उसकी रोटेशन कर दी, कितनी की है ये, 93 पॉइंट जो भी की है ये वाली,
अब इसने शुरू कहाँ से की है वो, इसने गेस किया यहाँ पर जीरो, अब मैंने ग्रीन वाला यहाँ पर लगाया तो उसके मुताबिक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने जो सीधी लाइन लगाई थी वो तो सिर्फ लगाई है मूव करने की, तो रोटेशन तो जीरो के बाद ही शुरू हो गई है, ये 27 यहाँ तक उसने कर दिया। असल में होना क्या चाहिए था कि रोटेशन यहाँ तक मैं उसको बताता कि 40 तक सेम जीरो ही रखनी है, 40 के बाद जो है वो रोटेशन शुरू होनी चाहिए। समझ लगी बात? यस सर। ये फर्ज करें कि मूव चल रहा है, इसको हम ब्रेड से ही ले लेते और फिर ऐसे जीरो यहाँ पर मुझे फर्ज कर देते हैं कि वो 100 तक मूव हुआ, उसके बाद 130 पे मूव हुआ। उसको पता है कि जब मैंने जाना है तो ये 90 की डिग्री पे जाना है 100 तक, फिर हमने यहाँ पर की फ्रेम लगाया और उसे बताया कि अब वो 180 की तरफ या जो भी इस एंगल बन रहा है उसकी तरफ मूव करे। रोटेशन जो कि इस वक्त है आपकी ग्रीन कलर में, हमने इसको पहले की फ्रेम बताया जीरो, यहाँ पर हमने बता दिया कि कितना होगा 95 तकरीबन जो बना है एंगल, तो यहाँ पर कोई की फ्रेम नहीं लगाया, तो मूव तो इस तरह करेगा लेकिन रोटेशन का ग्राफ भी साथ साथ ही चलता रहेगा। हमें यहाँ पर एक ग्रीन कलर का भी लगाना चाहिए था, जहाँ पर उसको हम बताते थे कि यहाँ तक वो जीरो में रहेगा, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना वो फिर आगे मूव करेगा। समझ लगी है बात की? ड्रिफ्ट यस कंट्रोल डी किया, इसको यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर हम उसको बता देते हैं कि ये जो रोटेशन है आपकी, चाहे हल्का सा मूव करके बता दें इसको, वो ग्रीन की फ्रेम लगा देगा। उसके बाद फिर जब वो आ रहा है यहाँ पे, तो हम इसको मूव करते हैं कि अब वो मूव करेगा, ठीक है? वो अब यहाँ पर आया एक्स, और इसको हम दोबारा बता देते हैं हम यहाँ पर। अब क्या हुआ, ध्यान से देखना, रोटेशन जीरो यहाँ पे, यहाँ पर भी जीरो ही रहेगी, क्यों जीरो होगी, यहाँ पे हमने सिर्फ -1 रखी हुई है। उसके बाद 50 50, मैंने उसके बताया कि वो 90 डिग्री पे मूव कर जाए, की फ्रेम लगा दिया। अब 60 पे जाके मैंने इसको बता दिया कि 180 डिग्री पे मूव कर। अब मैं आगे जाता हूँ 90 तक, जहाँ पे भी रखना है, और उसको मूव करवा देता हूँ। ठीक है, अब आगे ऑब्जेक्ट आ गया आपका, तो यहाँ पर जाने के बाद अब ये एनिमेशन आप जैसे भी कर लें। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं कि वो 120 पे, यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पे रोटेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी। यहाँ पर रोटेशन जो है वो हम कहते हैं 180 ही है, बस की फ्रेम लग गया, इसको मूव कर दें उतना जितना आपका एंगल बन रहा है बस। यहाँ पर अपने हाथ से करेंगे जब तभी सीधा हो। व्यू में दोबारा आते हैं, ठीक
ठीक है, गाड़ी चल रही है लेकिन कैमरा साथ नहीं चल रहा। तो क्या करना चाहिए? विंडस्क्रीन नहीं चल रही। गाड़ी आगे गुजर गई है, तो क्या करूं उस कंडीशन में? फिजिकल कैमरा से यहाँ फिजिकल टारगेट कैमरा तो देखेगा, लेकिन अभी हमें करना क्या चाहिए? तो टारगेट कैमरा, क्या हाँ टारगेट कैमरा कैमरा क्या के होगा? हाँ ये फर्क सुन लें, जो टारगेट कैमरा या फिजिकल कैमरा वो तो किसी एक जगह पड़ेगा और वहां पर देखेगा फिर, ठीक है? लेकिन सर हम लेकिन कैमरे को चीज भी तो एनिमेट कर सकते हैं, जो फ्री कैमरा होता है उसको हम एनिमेट कर सकते हैं साथ साथ पार के। अच्छा एनिमेट कर सकते हैं, लेकिन हमें एनिमेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो तो एनिमेट हो गया ना। हमने सिर्फ क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को जो कि फ्री कैमरा है, विंड स्क्रीन बनानी है ना, ये कैमरा जो है, तो उसको बस लिंक कर दें इसके साथ। इस कैमरे को हम लिंक कर देते हैं अपनी गाड़ी के साथ। अब प्ले करते हैं, कैमरे का व्यू सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब वो हमेशा देखता रहेगा, गाड़ी के साथ साथ ही जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, किया क्या हमने? सिर्फ कैमरे को लिंक कर दिया, सेट किया पहले कि ये इसकी विंड स्क्रीन का कैमरा है, उसके बाद हमने इसको लिंक कर दिया। ये है फ्री कैमरा जो ऑब्जेक्ट के साथ साथ जाना है। जिस कैमरे ने ऑब्जेक्ट के साथ साथ जाना है वो आपने उसके साथ लिंक कर देना है। कैमरे को एनिमेशन नहीं देनी, ऑब्जेक्ट ने जो एनिमेट किया उसके साथ इसको लिंक कर देना है, बस। क्लियर हुई है बात? सर कैसे किए थे दोबारा मुझे एक बार बता दे, मेरे समझ नहीं आई थी। कैमरे किस चीज़ की? को जो लिंक किया था हमने ऑब्जेक्ट के साथ। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे एक और कैमरा लगाता हूँ कि बैकवर्ड देखने के लिए, ये कैमरा, अब ये वो कैमरा मैं लगाने लगा हूँ जो गाड़ी को हमेशा साथ साथ देखता रहेगा। एक तो विंड स्क्रीन वाला कैमरा है ना, वो गाड़ी को नहीं देख सकता, लेकिन इसमें रहना साथ साथ ही है गाड़ी के, इन गाड़ी को थोड़ा सा बैक से दिखाएगा। तो मैं यहाँ पर लगा कैमरा व्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ, नंबर टू। इसको पहले सेट करना था कि ये होगा, इसको रोटेट करें कि आपने किस तरह का व्यू देना है, गाड़ी को लेफ्ट से दिखाना है या राइट से दिखाना है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये इस तरह मैंने दिखाना है इसको, इस तरह। और इसका जो फील्ड व्यू है वो भी हम ज़रा कम कर देते हैं, गाड़ी को देखता है बस। जब प्ले करूँगा विंड स्क्रीन वाला तो साथ जा रहा है, लेकिन दूसरा जो है वो वहीं पे खड़ा है। तो उसको हमने क्या करना है, कैमरे को सिलेक्ट करना, और ये लिंक वाला बटन है, इसके साथ कैमरे जो जो जिससे हम लिंक करते हैं अर्थ वगैरह को, कैमरे को भी क्लिक करके गाड़ी के साथ लिंक कर देना। लिंक करेंगे तो अब जब मैं प्ले करूँगा, ये कैम ट्यूब का व्यू है, वो ऑब्जेक्ट को ज़रा जहाँ पर आपने सेट किया वहाँ से दिखाता रहेगा। विंड स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको विंड स्क्रीन से दिखाएगा, कैम वन से दिखाएंगे तो वो, टू से दिखाएंगे तो वो थोड़ा सा हट के दिखाएगा जो भी सेट किया होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों कैमरे साथ साथ आ जा रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट के साथ साथ चीज़ जानी है वो फ्री कैमरा यूज़ करना है। अटेंडर्स लगा लें फिर आगे बताते हैं। सर हमारा आजकल में कुछ क्विज होगा इस चीज़ के ऊपर? आज नहीं है, ये नेक्स्ट क्लास में होगा।